दोस्तों नमस्कार, आपका ए टू जेड न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जो आज खबर आ रही है बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, बहुत ही सुकून देने वाली खबर आ रही है। एसबीआई बैंक ने जो अपने शहीद सैनिक थे उनका पूरा का पूरा कर्ज माफ़ कर दिया है। तो ये दोस्तों खबर बहुत ही बड़ी निकल के आ रही है। दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और साथ ही देखिए नीचे आप लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियोस हैं वो सबसे पहले देखने को आपको मिले। और साथ ही एक लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एसबीआई ने शहीदों का कर्ज माफ़ किया। भारतीय स्टेट बैंक ने पुलवामा में हुए शहीद हुए सीआरपीएफ कर्मियों के कर्ज माफ़ करने की घोषणा कर दी है। हमले में शहीद 23 सैनिकों ने बैंक से लोन लिया था, वो बैंक पूरा का पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माफ़ कर दिया है। इसके अलावा बैंक सही सैनिकों के परिजनों को बीमे की रकम जल्दी से जल्द जारी करने के लिए भी क्लेम की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के कदम भी उठा रहा है। बता दें पुलवामा में हुए शहीद हुए सभी सीआरपी कर्मी डिफरेंस सैलरी पैकेज के तहत बैंक के ग्राहक थे, जहाँ बैंक हर रक्षा कर्मियों को 30 लाख का बीमा उपलब्ध कराता है। क्रेडाई देगा घर रियल इस्टेट कंपनी के शीर्ष संगठन रियल इस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुलवामा में जो शहीद हुए थे सीआरपीएफ के जवान, उनके परिवारों को 2 कमरे का 2 BHK घर देने की घोषणा भी साथ साथ कर दी है। संगठन क्रेडाई के अध्यक्ष जे शाह ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। साथ ही स्टेट बैंक ने जो हमारे सही जवान हुए थे उनको पूरा पूरा लोन माफ़ कर दिया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। एसबीआई बैंक ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, प्लीज़ एक बार देखिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको नई नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।